से पर ट्राई तो करती हूँ। ना चांद की है चाहत ना बादलों पे है उड़ना, तारों की नहीं जरूरत समी पे उन्हें क्या करना, खुशियों की धुन बन जाए सुरताल में नाचे गाए हर लाइफ में रंग भर जाए। मेरी हिम्मत कैसे हुई, जहां मेरे पीएन की बेटी पास हुई है वहां मेरी बेटी फेल हुई है। फेल कौन? डब्बू? हाँ। अरे वो तो पास हो गई है। वर्षा, मेरे साथ डांस करने के लायक मुझे आज तक कोई नहीं मिला है। I think it's you. Yes, you. The girls with the yellow-blue stole around her waist. You're the lucky one. आप होंगी अपुगे की आज की डांस पार्टनर। Guys, cheer up. Okay, listen. Just relax. यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं इन्हें डांस करना नहीं आता है, तो तुम भी डांस करने की कोशिश मत करना। जस्ट मूव विद मी एंड इट विल बी ऑल गुड। तुमने जो कहा वो कर दिखाया। तुम सचमुच किसी को भी नचा सकते हो, राइट? कौन थी वो? सम बहन जी। जो भी थी मेरे साथ अच्छा मूव कर रही थी, कमाल का नेचुरल ग्रेस था उसके डांस में। इमेजिन अपूर्वा, तुम्हारे साथ डांस करके वो इतना डर गई कि अपना दुपट्टा तक। हेलो जी, आप कौन बोल रही हैं? वही मैं, मिसेस खन्ना बोल रही हूँ जी। आप कौन? मैं जिया का पापा बोल रहा हूँ। ओहो, ओ मिस्टर समरवाल जी, कमाल है जी, पहले क्यों नहीं बताया? हिमानी कहाँ है? ओ मिसेस
मानी से क्या काम था जी? वो जिया उसके साथ गई है ना। हाँ जी, और आपको कहा होगा फोन लेकर जा रही है, फिर भूल गई। एनीवे जी, आपने बहुत बढ़िया किया कि मैंने फोन कर लिया जी। मुझे आपको इनवाइट करना था जी, आप प्लीज आइएगा। वो क्या है ना जी, मिस्टर खन्ना एंड हनुमा एनिवर्सरी है जी इस सैटरडे, तो सोचा पार्टी शार्टी हो जाए, इस बहाने मानी की पास होने की खुशी भी मना लेंगे। तो आप जरूर आइएगा जी, वील मेक यू हैप्पी फॉर श्योर। ओके ओके जी। अगर पापा को पता चल गया तो? कब से फोन बज रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? हे भगवान, इस घर में मैं ना काम करूं तो कोई काम करके राजी नहीं। हेलो आप जी? हाँ, टब्बू तो आ गई है घर पे। मैं क्या जी, आप कब तक आओगे? जिया, मेके जी ठीक है? साड़ी दिलवानी पड़ेगी। वो तो मैंने पिछली दो बार भी अच्छे बनाने थे। चांदनी किसके लिए है? पिछली दोनों बार तो मसाले में भी कमी थी। हाँ इस बार ये अच्छा। डब्बू जी, खाने क्यों नहीं खा रही है? खाना रखा है ना? शोरोसी शोरोसी तेरी आंखों की ये रोशनी किसके लिए है? किसके लिए? जा बेटा देख किसका फोन है, चल चल जा। कोई नई बात नहीं हुई है, साफ कर लो। हेलो हेलो, तो ऐसे बोलिए जैसे मेरे नहीं किसी और के फोन का इंतजार कर रही हो। डब्बू तूने जो आज मेरे साथ किया है ना, मैं उसके लिए तुझे जिंदगी भर नहीं माफ कर सकती। तेरे लाइफ के पहले डिस्को में मैं तुझे लेके गई और तूने मेरे साथ ही ये सब किया। तुझे बताया था मैंने डब्बू, मेरे लिए रैग में एडमिशन लेना कितना इम्पोर्टेंट है। तू इतनी सेल्फिश हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं? किसका फोन है? हिमानी का। उसे कहो कि शरीफ लोगों के यहाँ 9 बजे के बाद फोन नहीं किया करते। जी। इसे कह दो कि ये हिमानी की संगत से बच के रहा करे। जी। आज ही वो खन्ना ऑफिस में बड़ी शान से कह रहा था, मेरी बेटी हिमानी डांसिंग स्टार बनेगी। मेरे जी में आया कि मैं उसे कह दूं
खामखा इतने पैसे बर्बाद कर दिए तूने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में। इससे अच्छा होता कि अपनी बेटी को पहले नाचने वाली बना देता, बीवी के साथ बेटी भी कमाती और खुद आराम से घर में बैठ के खाता। महेश, बच्चों के सामने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं जरा सोचा कर। तो मैंने कुछ गलत कहा? इन्हें भी तो पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, कौन से काम इज्जत के होते हैं और कौन से नहीं, किन से घर संभलता है और किन से नहीं। बीजी, मैं सब्जी डालती हूँ, बस बेटा मेरा हो गया। बात है जिया, तूने आज खाना भी नहीं खाया? आपने भी तो नहीं खाया। पहले सवाल मैंने किया। जी जी नहीं कर रहा, मेरा पेट खराब है दादी। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया था ना बेटा? कुछ भी नहीं खाया था दादी। अच्छा तू आराम कर, एक मिनट उठ 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 जाना, बताती हूँ मैं। हमारा नया केबल ऑपरेटर, अब तू आराम कर। कहाँ गया? आजा बेटा, आजा आजा। जिया, मैं सोच रही हूँ ऊपर बरसाती में ही शिफ्ट करूँ। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही है दादी? और नहीं तो क्या, क्या मतलब तेरे साथ रहने का? तू शाम को जब से वापस आई है मेरे साथ एक भी बात नहीं की है, और ये भी नहीं बताया कि मधु के यहाँ पार्टी कैसी थी, कौन कौन आए थे, मजा आया कि नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मधु के यहाँ नहीं गई थी। मधु के यहाँ नहीं गई थी? तो पिक्चर देखने गई होगी? नहीं। तो फिर? वो हिमानी ने पापा से झूठ कहा था दादी, वो सब डिस्को जाने वाली थी और मुझे भी साथ लेके गई। मुझे कहते हो तुम, मेरी सांसों में सदा रहते हो तुम। न तूने कभी झूठ बोला और न अभी बोल रही, और झूठ तूने नहीं हिमानी ने बोला है। अगर तू महेश को कुछ नहीं बताएगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा दादी? आप समझ नहीं रहे, हम डिस्को गए थे। डिस्को समझती हो ना, डिस्को जहाँ पे लोग नाचते गाते हैं, और अगर पापा को पता चल गया कि मैं डांस। मीना जी, किसके साथ? तेरी आंखों की ये रोशनी किसके लिए है? पता नहीं दादी। तुझे नाच कर अच्छा तो लगा ना? नहीं, मुझे तो उस हिमानी पर गुस्सा आ रहा था, उसने पापा से झूठ क्यों बोला? तू तो ऐसे मुंह फेर रही है जैसे डरती है ये कहने में कि तुझे नाचकर अच्छा लगा। देख बेटा, महेश को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं, वो होकर आई ना, बस बात खत्म। मैं कह रही हूँ ना, चल सो जा। बिट्टू चिल्ला मत, तेरे बाप का घर नहीं है ये। कितनी बार कहा चिल्ला मत करो, पापा घर पे है। क्या हुआ? क्या फोन है डब्बू दीदी? मैंने हिमानी दीदी से बैट लगाई है कि ये आप हो। मैं तो पहचान गया, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि ये आप हो तो फिर वो मुझसे झगड़ने लग गए। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया दीदी, आपका बॉयफ्रेंड है। क्या शोर मचा रहा है ये? क्या है, हैं? क्या लेकर आया ये शैतान? शैतान मैं नहीं हूँ, शैतान तो आप हो। आप तो हमेशा डांटते रहते हो। अच्छा, क्या भी चाहिए? ला दिखा।
फोटो किसकी है? ये तेरी बहन है ना जो नाच रही है? अपनी बहन से कहना कि अगली बार फोटो के नीचे अपना नाम लिखवा लिया करे, 2 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं उसके बस। मैं आपसे ले लूंगा। अच्छा, मुझसे ले लेगा? चल भाग यहाँ से, भाग भाग यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखा मुझे। सुबह सुबह भेज देता खन्ना मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मुंह बंद रख अपना, वो क्या स्टैचू बोल कर गया तुझे है? वो पापा कल। कल क्या, झूठ बोला इसकी बहन ने मुझसे। क्या देना उससे? अगली बार उसने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू बंद रखा कर अपना। कितनी बार समझाया तुझे, इतनी बड़ी हो गई है, नाक कटवाएगी मेरी। डब्बू दीदी, डब्बू दीदी, डब्बू काय की डब्बू? शानी है वो, शानी एक नंबर की शानी है। कल पता है कैसे भाग गई थी वहां से? कहां है डब्बू, कहां है डब्बू? डब्बू हिमानी, आज वो अगर तुझे नाचना नहीं आता था, फ्लोर पे जाने के लिए किसने कहा था? हिमानी, आई न्यू इट, इस पे डब्बू दीदी की फोटो है और ये उनका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड माय फुट। ओह नहीं नहीं, मुझे तो तुम लोगों ने फ्लोर पे जबरदस्ती धक्का मारा था। हमने मजाक में पुश किया था, तू वापस भी तो आ सकती थी। तुझे किसने कहा था हमारा मजाक इतना सीरियसली लेने के लिए? और तुझे क्या लगता है अपूर्वा के साथ डांस करने का मौका मिलेगा और मैं तुझे जाने दूंगी? मैं खुद नहीं जाऊंगी क्या? मुझे भी कौन सा शौक था डांस करने का, मैंने थोड़ी कहा था मुझे डिस्को लेके जा, वो तो तुम झूठ बोल के मुझे लेके गई थी। मैंने पापा से आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। तो ठीक है, अब सच बता दो। ना 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 ना, मैं काम करती हूँ, मैं ही जाके सब सच बता देती हूँ उन्हें। साइलेंस। दीदी फंक्शन के लिए ओनली 2 डेज आर लेफ्ट, आपको डांस नहीं सीखना क्या? हाँ, मैं क्यों तुझ पे आज अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? तुझे अंकल को बताना है, तू बता दे। वैसे भी आज मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मुझे दादी से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे दादी तो यहाँ है। यस दादी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे तो बोल ना। आप मेरी हेल्प करोगी ना दादी? जरूर करूंगी, क्यों नहीं। दादी परसों ना मॉम डैड की एनिवर्सरी है और दादी इतने सारे गेस्ट आने वाले हैं, बस मैं एक आइटम सॉन्ग करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हिमानी से एक आइटम गर्ल बना दो। ना बाबा ना। क्यों? इसके पापा यानी मेरा बेटा महेश मुझे घर से निकाल देगा, बिल्कुल भी नहीं। दादी पर उनको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, हमें काम करेंगे ना, हम ऊपर रिहर्स करेंगे तेरे टेरेस पे। हाँ। किसको बताएगी तो नहीं? मैं किसी को नहीं बताऊंगी दादी, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस दादी। चल बता मुझे किस गाने पे डांस। चलो 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 चल बेटू, चल चल चल।
मुझे हिमानी ने सब बता दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई डिस्को जाने की, डांस करने की? भूल गई तू? नहीं पापा। जिया क्या हुआ? वाहे गुरु, मुझे पापा को बता देना चाहिए। हेलो, महेश अग्रवाल, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एमसीटी। पापा। अरे दब्बू, क्या है? पापा वो कल। कल की बात कल करेंगे, अभी मैं दफ्तर में हूँ। नहीं पापा, कल यस्टरडे। हिमानी ने आपसे झूठ बोला था पापा। हम मधु के यहाँ नहीं गए थे, हम सब डिस्को गए थे। लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था पापा, सच मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। वो तो मुझे वहां जाने के बाद पता चला और वो लोग मुझे दबर से अंदर लेके गए पापा, सच। ठीक है, अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं क्या जी, आपने भिंडी तो चखी नहीं, मैंने तो बिल्कुल आपके पसंद की बनाई है, वो अमचूर डाल के। आज के बाद जिया घर से बाहर अकेली नहीं जाएगी। ही किसी दोस्त के साथ जाएगी, जब भी जाएगी घर का कोई साथ होगा। मैंने उसकी बात की है, परसों उसे देखने आने वाले हैं। मेरे पुराने बॉस है मिस्टर मेहता, उनका बेटा है, सिविल इंजीनियर है, अभी अभी रेलवे में उसकी नई नौकरी लगी है। परसों शाम 8 बजे जिया को देखने वो घर आ रहे हैं। जिस लड़की के साथ मैंने आज डांस किया, अगर वो जानती है कि वो कितनी अच्छी है, देन गुड। चीज़ा, 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 चीज़ा।